हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक्निकल प्रकाश यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रकाश दुल्लभ आपका दोस्त और ये है आइकॉनिक गुरु। तो दोस्तों आज हमारे टेक्निकल प्रकाश यूट्यूब चैनल में हम लोग एडसेंस अप्रूवल कैसे करे थे वो आइकॉनिक गुरु और टेक्निकल प्रकाश मिल के बताएंगे। ये वाला है पार्ट वन। पार्ट वन में हम आपको ब्लॉगिंग का बेसिक दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है जो नए ब्लॉगर है उनके लिए, कैसे हम एडसेंस अप्रूवल करके वेबसाइट को सेल करते हैं। बेसिक वन मतलब फुल कोर्स हम देने वाले हैं जिसका पार्ट वन आज रिलीज कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो जरूर अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास ऐसा दिखाने वाला हूँ जो आपको शायद एक ऐसी नॉलेज देगा जिसके लिए आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर पाओगे और एक ब्लॉग से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो मैंने फुल कोर्स दिखाऊंगा, हर एक दिन नए नए पार्ट लेके। तो आज ये पार्ट वन जरूर देखिए। और एक दोस्तों अच्छी बात है, आज हमारे पास एक .com न्यूज के ऊपर वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल हुआ है, आज ही हुआ है, जो हम सेल करने वाले हैं। अगर आप में से कोई एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट खरीदना चाहते हो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्कशन लिंक पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा सकते हो जहाँ पर हम लोग बहुत सारे वेबसाइट सेल करते हैं हर रोज। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। चलिए देखते हैं हमारे डेस्कटॉप से स्क्रीन में, चलिए लेट्स गो। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन में आप देख रहे हो टेक्निकल प्रकाश यूट्यूब चैनल का एक नए वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल हुआ है जो ब्लॉगस्पॉट पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्लॉगस्पॉट पे बने हैं एक वेबसाइट यहाँ पर है। और आज हम क्या करेंगे, हम एक कोर्स दिखाएंगे जिसकी मदद से आप सीख पाओगे कैसे एडसेंस अप्रूवल लेते हैं। ब्लॉगस्पॉट पे दिखा रहा हूँ, आप चाहे कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो .com.in कोई भी। तो अभी मैं ब्लॉगर वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ ब्लॉगर को, जहाँ पर मैं एक फ्री ब्लॉग बनाऊंगा, एकदम फ्री ब्लॉग। तो यहाँ पर आना है दोस्तों, आने के बाद यहाँ पर न्यू ब्लॉग में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक टाइटल मैं दे दूंगा क्योंकि मैं एजुकेशन के ऊपर लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सरकारी एडुकेशन। लिखे नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वो डालना होगा, मतलब आप यहाँ पे अपना URL डालोगे जो URL आप रखना चाहते हो। तो मैं सरकारी एजुकेशन रखूंगा, शायद ये नहीं लेगा तो मैं इससे इसके लिए एक जुड़ा देता हूँ इसके साथ S on, ठीक है। तो ये अवेलेबल है तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो अभी मेरा ब्लॉग तैयार हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉग कैसा दिख रहा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी ऐसा दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर थीम चलाना है। मेरे पास बहुत सारे प्रीमियम थीम हैं, अगर आप लोग चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। तो इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर अगर ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे मिल ही जाएगा वहाँ पर। तो मेरे पास एक प्रीमियम टेम्पलेट है गैलेक्सी का, उसको ही यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो बेसिक होता है ना ब्लॉगर का बेसिक सेटिंग, वो बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ब्लॉगिंग के लिए। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना होगा, एक थीम लगाना होगा, थीम को कस्टमाइज करना होगा, क्या क्या मेनू रखोगे दोस्तों आपकी सबसे, ठीक है, वो सारे के सारे चीज आपको ध्यान से करना होगा। तो यहाँ पर ये थीम आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ इधर पे आके, मुझे इधर पे आके यहाँ पर जो लेआउट का ऑप्शन आप दिख रहे हो, लेआउट का ऑप्शन में जाके पहली जो काम है मेरा, यहाँ पर मेनू बार बना देना, ठीक है। पहली बार में आपको मेनू बना लेना है। तो मेनू क्या क्या रखूंगा मैं इधर पे आप देख लीजिएगा, होम आपको रखना है, होम आपको रखना ही होगा। और यहाँ पर मैं एडुकेशन के ऊपर बना रहा हूं तो जनरल नॉलेज रखूंगा। जनरल नॉलेज यहाँ पर रखा हुआ हूँ और यहाँ पर एक करंट अफेयर्स रखूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज मैंने रखा है इधर पे। और यहाँ पर मैं तीनों मेनू लगा दूंगा, और तीन मेनू क्या है, और पे मैंने अबाउट अस रखूंगा, अबाउट मेनू, और यहाँ पर मैं रखूंगा कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो भी कस्टमर आएगा इसी से कॉन्टेक्ट करेगा आपसे।
कॉन्टेक्ट और इसके नीचे आपको रख देना है पॉलिसी प्राइवेसी। हाँ आपको ध्यान से धीरे से इसको करके जस्ट इसको आपको सेव कर देना है। बस मेरा सेव हो गया है, अभी इसको व्यू करके दिखाऊंगा आपके सामने मैंने क्या क्या मेनू रखा है। देखो यहाँ पर मैंने रखा है होम, रखे है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी। जस्ट आपको इतना ही रख लेना है क्योंकि इस थीम के ऊपर हमने बहुत सारे वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल कर ली है और उसको बेच भी दिए। और जो बेसिक होता है दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पर लोगो देख रहा है वो लोगो आपको चेंज करना है, तो लोगो मैं अपने हिसाब से बना लूंगा कैनवा प्लस यूज करके। कैनवा से कोई भी एक लोगो आप बना सकते हो वेबसाइट का। तो कैनवा पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट डिजाइन लिखा हुआ है, आप अपने जीमेल से लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा नीचे करके यहाँ पर देखो लोगो डिजाइन होगा, यहाँ पर लोगो देख रहे हो, मैं इधर पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर पे आके भी आप एक लोगो इधर से ले सकते हो कोई भी और उसको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, पर मैं ही सब अपना कस्टम चुनूंगा। तो यहाँ पर आने के बाद कहा गया है इधर से आप होम करो पहले और क्रिएट लोगो और यहाँ पर देखो कस्टम मिल जाएगा आपको। कस्टम कहाँ पर है, इधर पे नहीं दिखा रहा है। तो जाओ दोस्तों इधर पे आ गया मैंने फिर से, इधर पे कोई भी एक लोगो चूज कर लूंगा, आप अपनी हिसाब से कोई भी लोगो चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लोगो कलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने थोड़ा नीचे करके एकदम फ्री वाला लोगो, यहाँ पे प्रीमियम वाला है बहुत सारे आप देख लोगे, तो ये वाला फ्री है तो मैं इससे भी बेहतर कुछ रखना चाहता हूँ तो ये वाला ले लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ सरकारी एजुकेशन। ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक ही जगह इधर पे रखूंगा एस एस और यहाँ पर वी जो है वी के जगह मैं रखूंगा एडुकेशन ई। ठीक है और इधर पे मिडिल वाला जो लिखा है इसके जगह मैं लिखूंगा सरकारी एजुकेशन, सरकारी एजुकेशन। हो गया सरकारी एजुकेशन और इधर पे जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, सारे के सारे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ अभी हो गया है सरकारी एजुकेशन, तो इसको शेयर ऑप्शन में क्लिक करोगे और इसके नीचे यहाँ पर आप डाउनलोड वाला ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पर पीएनजी वाला है, सिलेक्ट करके पीएनजी रखोगे और इसको डाउनलोड कर लोगे, बस आपका इधर से जो लोगो है लोगो बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस लोगो को चेंज करना है। लोगो के लिए मैं इधर पे चला जाऊंगा लेआउट के ऑप्शन में और ठीक इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो सरकारी एजुकेशन हेडर जो ऑप्शन है वहाँ पर जाओगे और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपलोड इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, इसको चूज करोगे और यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करने के बाद वो वाला लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है सिलेक्ट करके आपको इसको सेव कर देना है, जस्ट सेव कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा लोगो मेरे यहाँ पे बन के आ गया है। यहाँ पर लोगो देख सकते हो देख रहा है, मैं अगर थोड़ा जूम कर देता हूँ तो यहाँ पर लोगो आप देख पाओगे शायद, तो इधर पे लोगो दिखा रहा है, आप यहाँ पर गौर करें लोगो देख रहा हो। तो अभी लोगो तो बन गया है मेरा, तो अभी यहाँ का मैंने जो मेरा काम था वो कर दिया हो, अभी ऊपर का काम करेंगे। ठीक है ऊपर में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी जगह मैं डीएमसीए लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए थीम्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा टॉप मेनू, तो उसको पेंसिल आइकन में क्लिक करोगे और इधर पे मुझे क्या करना है, सिर्फ इधर पे इसके जगह डीएमसीए लगाऊंगा। हो गया और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप दे सकते हो। बस टर्म एंड कंडीशन दे दी हो, इसको सेव कर दो।
जो लोग वीडियो को नए देख रहे हो, मेरे चैनल में नए आए हो, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज पार्ट वन चल रहा है एडसेंस अप्रूवल का, तो उसके बाद मैं पूरा चीज़ कोर्स दिखाऊंगा पार्ट पार्ट करके। पार्ट टू में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा कैसे ब्लॉगिंग में एडसेंस अप्रूवल करना होता है और एक बिजनेस की तरह आपको तैयार करना होता है एक वेबसाइट को। तो यहाँ पर सब कुछ बन गया है। अभी इधर पे देखो सोशल वाला लिंक, तो सोशल वाला लिंक आप चेंज कर सकते हो। अभी हम चले जाएंगे सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग के ऑप्शन में कुछ एसईओ टिप्स है जिसको आपको ठीक कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे, बेसिक सेटिंग आपको यहाँ पर से मिल जाएगा। आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है, तो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं बना के रखा हुआ मेरे नोटपैड पे, वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सारे कुछ मैंने बना के रखे है, सिर्फ इसको मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर रहा हूँ मेरे नोटपैड से। आप अपने हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करके बना ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको बना के डाल देता हूँ, अभी इसको सेव कर देता हूँ। बस आपका काम इतना ही है, और इसको आपको दोबारा यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, इधर से इधर तक। और आपको चले जाना है किधर पे, आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मेटा टैग मिलेगा, ठीक है, वो मेटा टैग में डाल देना होता है। यहाँ पर देख सकते हो मेटा टैग को ऑन कर देना है, और सर्च डिस्क्रिप्शन में आपको अपना जो भी वहाँ पे कीवर्ड उठा है वहाँ से आपको डाल देना है, ठीक है। तो इधर तक तो आपको समझ में आ गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे, और एक काम यहाँ पर बाकी है। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर ही है, यहाँ पर देखियो कॉलर्स आर इंडेक्सिंग लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको आपको ऑन कर देना है। और इसके नीचे आपको कस्टम रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल आपको यहाँ पर डाल देना है। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल आपको कहाँ पर से मिलेगा, पहले आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल को कॉपी कर लेना है, और फिर आपको प्लस आइकॉन के नए टैब में आपको यहाँ पर लिख देना है ब्लॉगर ब्लॉगर साइट मैप। तो ब्लॉगर साइट मैप लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पहले वाला जो लिंक आएगा, जनरेट एक्सएमएल साइट मैप फॉर गूगल एंड बिंग सर्च कंसोल। गूगल एंड बिंग सर्च कंसोल के लिए आपको साइट मैप यहाँ पे जनरेट करके देगा, सिर्फ आपकी वेबसाइट का यूआरएल इधर पे डालना होगा। तो डालने के बाद सिंपल जनरेट एक्सएमएल साइट में क्लिक करोगे और इधर पे आपका वो तैयार होके आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इशू है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी जनरेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आपका चला आएगा, ठीक है, साइट मैप जनरेट होके। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जस्ट मैं इसको सेव कर दूंगा, बस मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो कस्टम रोबोट टैग जो है टैग को ऑन कर देना है, क्योंकि टैग को भी चाहिए। और होम पेज टैग में आप क्या क्या रखना चाहते हो, ऑल और नो डीपी, उसको सेव कर दोगे। और उसके बाद एक्चिवर्स ऑप्शन में क्या रखोगे, यहाँ पर नो इंडेक्स नो डीपी, उसके बाद सेव कर दोगे। और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एंड टैग्स ऑल और नो डीपी, बस इतना ही आपको करके सेव कर देना है। बस आपका बेसिक सेटिंग हो गया है दोस्तों। और आपको यहाँ पर और भी एक सेटिंग है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग का मतलब है इधर पे जो लोगो होता है ना, आइकॉन, फेवी आइकॉन कहते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फेवी आइकॉन में क्लिक करोगे और यहाँ पे अपलोड करोगे आपका जो भी फेवी आइकॉन है, तो मैं वो लोगो का ही यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। बस मेरा फेव आइकॉन अभी बन गया है। और अगर आप चाहते हो इस पे कस्टम डोमेन ऐड करना, वो भी कर सकते हो। कस्टम डोमेन कैसे ऐड करना होता है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी डोमेन लगाओगे और उसको सेव कर दोगे, कोड यहाँ पे दिख जाएगा, आप कर सकते हो। मेरे वीडियो आई बटन में ही आप देख सकते हो, अगर आप डॉट कॉम या डॉट इन डोमेन के ऊपर अप्रूवल लेना चाहते हो तो। फिर अभी क्या करूंगा, अभी इसको व्यू ब्लॉक करके दिखाऊंगा आपको कैसा लग रहा है मेरा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में मैंने इधर पे इधर से इधर तक मेनू पूरा सेटअप कर लिया हो। और अगर आप चाहते हो सोशल आइकॉन को चेंज करना, वो भी कर सकते हो। पर इधर पे आके कुछ चेंजेस आपको करना होगा दोस्तों। यहाँ पे जो फुटर ऑप्शन में जो लोगो है उसको चेंज करना है, और यहाँ पर जो अबाउट अस सेक्शन है उसको भी चेंजेस करना है। तो क्या करोगे इसके लिए, इसके लिए आपको लेआउट ऑप्शन में जाना है दोबारा। और लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अबाउट अस सेक्शन। तो अबाउट अस सेक्शन में आपको क्या रखना है, पहले मैं लोगो चेंज कर लेता हूँ। पहली जो मेरा काम है लोगो चेंज करना, लोगो मेरे पास है, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, सेटिंग में जाके पहले जो अबाउट सेक्शन में जो रखना चाहता हूँ उसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं चले आता हूँ इधर पे अबाउट सेक्शन में।
अबाउट सेक्शन के अंदर इधर पे पेंसिल आइकन में क्लिक करके इधर पे आप देख सकते हो जो भी कैप्शन लिखा हुआ है इसके अंदर मैं इसको डाल दूंगा। और यहाँ पर आप देखो अपलोड इमेज का जो ऑप्शन है उसमें चूज फाइल कर लूँगा और इधर में डाल के इसको जस्ट ओपन कर दूँगा, ठीक है। और ये आ जाएगा इधर पे, थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर विजिबल हो जाएगा वो लोगो। लोगो विजिबल होते ही दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूँगा, बस सेव हो गया है। और यहाँ पे व्यू ब्लॉक करके मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे आओगे इधर पे, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अबाउट सेक्शन चेंज हो गया है और यहाँ पर मेरा लोगो भी दिख रहा है। और यहाँ पर जो भी सोशल लिंक है इसको चेंज करने के लिए आपको, और ये भी चेंज करूँगा, इसके लिए आपको लेआउट ऑप्शन के अंदर ही सब मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो अबाउट मी लिखा है इसको आप पहले हटा दीजिए यहाँ पे, तो मुझे कोई ब्लॉगर का आइकन नहीं चाहिए। और यहाँ पर पेज आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो या इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, पेज तो ऑलरेडी बना है ऊपर और नीचे, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। जस्ट इसमें सोशल जो लिंक है वो उसको आप डाल सकते हो, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम, तो मेरा ट्विटर नहीं है, ट्विटर को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम और रेडिट का ही रख, रेडिट का ही नहीं तीनों ही रखूँ लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, हो गया। और ऊपर में आपको यहाँ पर फिर से एक सोशल लिंक मिल जाएगा एकदम ऊपर में, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप सोशल से लिखा है। टॉप सोशल के अंदर क्या क्या रखना चाहते हो, तो व्हाट्सएप अगर आपका कोई ग्रुप है तो ग्रुप का लिंक दे सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है तो उसका लिंक दे सकते हो, ट्विटर है तो ट्विटर नहीं चाहिए हमें, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम, यहाँ पे इंस्टाग्राम में क्लिक करके यहाँ पे URL डाल सकते हो, डालने का सिंपल सा सेव कर दोगे। इतना ही काम आपको यहाँ पर कर देना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आके एडसेंस का यहाँ पर है जो उसको हटा देना है, क्योंकि हमें एडसेंस अभी अप्रूवल नहीं है तो एडसेंस का कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पे एट्रीब्यूट को भी मैं इसको हटा देता हूँ, कोई कॉपीराइट अभी एट्रीब्यूट नहीं रखूँगा। ब्लॉग एक्टिव आप यहाँ पर रख सकते हो, रिपोर्ट अब्यूज़ तो इसको हटा दीजिएगा पहले ही। और यहाँ पर लेबल और फीचर पोस्ट ये रख सकते हो या फीचर पोस्ट को भी हटा सकते हो। यहाँ पर टॉप्स वीडियो लिखा हुआ है जो भी, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, यहाँ पर टॉप्स वीडियो के जगह आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो और उसके बाद उसको लिंकअप कर सकते हो। फुटर क्रेडिट्स जो है कॉपीराइट्स फुटर, उसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आपने वेबसाइट का URL डालना है यहाँ पे, वेबसाइट का नाम और इधर पर आपकी वेबसाइट का URL। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, वेबसाइट का URL कॉपी करता हूँ और इस सेक्शन में, इस सेक्शन के अंदर इसको डाल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैंने डाल दिया इधर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे डू फॉलो है, यहाँ पर इसके ऊपर ठीक एक लिंक दिया हुआ है, ये लिंक को भी आप यहाँ पे इधर से इधर तक चेंज कर दोगे और आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट का नाम डाल देना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पर मेरा ब्लॉग जो है अभी आप देख सकते हो पूरा मैंने रेडी कर रहा हूँ वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, इस URL को सिर्फ यहाँ पे हटा देना है बस, और यहाँ पे तीनों लोगो डाल दिया हो और यहाँ पर सभी सेटिंग है। और यहाँ पे जो सोशल प्लगइन है इसको हटाना होगा अभी, तो सोशल प्लगइन को हटाने के लिए यहाँ पे सोशल प्लगइन लिखा हुआ है। सोशल प्लगइन के अंदर क्या क्या रखना चाहते हो, सोशल प्लगइन के अंदर ट्विटर डिलीट करना चाहता हो, रेडिट को डिलीट करना चाहता हो, VK को डिलीट करना चाहता हो, और यहाँ पर जो भी है चल जाएगा दोस्तों, इधर भी कुछ नहीं है और खास। तो यही बेसिक सेटिंग में आपको इतना ही कर लेना है दोस्तों, अभी बेसिक हो गया। उसके बाद मैं आपको कल Part 2 में दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना होता है, और एजुकेशन रिलेटेड अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो कहाँ से आर्टिकल को उठाना होगा, कैसे डालना होगा, पूरा कोर्स में आपको पूरा वेबसाइट 15 दिन के अंदर रेडी करके उसको एडसेंस अप्लाई करूँगा और उसके बाद एडसेंस अप्रूवल होके आपके सामने चला आएगा, एकदम लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी नए देख रहे हो, पूरा ब्लॉगिंग कोर्स सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। या ब्लॉगिंग रिलेटेड कुछ भी आपको मदद चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो या डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आप सभी का कॉमेंट का या आपका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के Part 1 में इतना ही, फिर मिलेंगे Part 2 में, जहाँ पर हमने गूगल सर्च कंसोल में जो भी एरर आ रहे हैं और गूगल सर्च कंसोल में कैसे आपकी वेबसाइट को सबमिट करना होता है, कैसे आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में रैंक होगा, ट्रैफिक कैसे आएगा, क्या क्या करना होगा तुरंत इंडेक्स के लिए, सब कुछ दिखाऊंगा इस चैनल के
इसी टाइम दोस्तों वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो डालता हूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिलहाल दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नए एक दिन नए एक वीडियो के साथ।